आज हम पढ़ने वाले हैं रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना। तो रेगिस्तान में मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही दिखाई देती है। मरीचिका क्या होती है? कोई जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है या कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में यात्रियों को या ऊँट पर बैठे यात्रियों को रेत के स्थान पर जल होने का भ्रम होता है। इसी ही कहा जाता है रेगिस्तान में मरीचिका। उसे ये लगता है कि कहीं जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, आगे रेत पड़ी हुई है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर देखेगा तो उसे ये लगेगा कि वहाँ पर रेत ना होकर कोई तालाब वगैरह नहीं है, वहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये क्यों होता है, तो इस घटना के बारे में आज यहाँ पर हम पूरा समझेंगे। होता क्या है कि रेगिस्तान में हर जगह रेत होती है, और हमें पता है, हम 9th में पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो रेत होती है वह रेत ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी उत्सर्जक होती है। यानी दिन के समय वह सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है जल्दी से, और रात के समय वह सूर्य की ऊष्मा को उतनी ही जल्दी उत्सर्जित कर देती है। तो होता क्या है कि जैसे कोई ऊँची वस्तु है, इस तरह से कोई ऊँची वस्तु है, इस ऊँची वस्तु को ऊँची वस्तु में जैसे पेड़ हो गया या कोई पहाड़ हो गया, इस ऊँची वस्तु को अगर कोई यात्री देखेगा तो उस यात्री को इस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। उल्टा प्रतिबिंब तो जल में ही बनता है, तो उसे ये लगेगा कि यहाँ पर कोई तालाब या जल भरा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेगिस्तान में हर जगह रेत है, तो जैसे ये पृथ्वी तल है, यहाँ पर रेत पड़ी हुई है, तो यह रेत क्या करेगी कि गर्मियों के दिनों में सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर लेगी। अब दोपहर के समय जब ये सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लेगी तो ये रेत गर्म हो जाएगी। जब यह रेत गर्म हो जाएगी तो इसके पास वाली वायु जो होगी, संपर्क वाली वायु, वो भी गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर माध्यम बनता है विरल माध्यम, और ठंडा अगर है तो माध्यम होता है सघन। तो यहाँ पर जो वायु गर्म हो जाएगी तो वो गर्म होकर विरल माध्यम बना लेगी। अब होगा क्या कि जैसे हमने वायु को पृथ्वी का जो वायुमंडलों से कई परतों में वायु को कई परतों में विभाजित मान रहे हैं, तो जो संपर्क वाली वायु होगी वो ज़्यादा गर्म होगी। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे, तो वायु क्या होगी, कम गर्म होगी नीचे की अपेक्षा, नीचे वाली परत की अपेक्षा। तो नीचे वाली जो पृथ्वी के संपर्क वाली वायु है वो अधिक गर्म होगी, इससे वो विरल माध्यम बनाएगी। जैसे जैसे ऊपर पहुँचते जाएंगे वायु कम गर्म होगी, तो माध्यम क्या होगा कि सघन होता चला जाएगा, नीचे वाली माध्यम के अपेक्षा सघन होता जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे इन कई परतों में विभाजित कर लिया, तो ये वाली वायु ज़्यादा गर्म होगी तो ये विरल होगा, और ऊपर पहुँचेंगे तो ये वायु कम गर्म होगी तो इसकी अपेक्षा सघन होगा, और ऊपर पहुँचेंगे तो ये और कम गर्म होगी तो इसकी अपेक्षा सघन होगा, और ऊपर पहुँचेंगे तो ये और कम गर्म होगी तो इसलिए इसकी अपेक्षा ये और कम सघन होगा। अब होगा क्या कि जैसे कोई व्यक्ति इस पेड़ को देख रहा है, तो यहाँ से क्या होगा कि इस पेड़ से किरण, प्रकाश की किरण चलेगी। जब यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी तो यहाँ पर माध्यम बदल जाएगा, क्योंकि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। हमने अपवर्तन में पढ़ा हुआ है कि जब भी किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अवलंब से दूर हटती है, तो यहाँ से यह किरण अवलंब से दूर हट जाएगी। फिर यहाँ से फिर माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, यानी ये विरल है, सॉरी ये सघन माध्यम है और ये इसकी सापेक्ष विरल है, तो फिर ये अवलंब से दूर हटेगी। इस तरह से फिर यहाँ अपवर्तन होगा, फिर ये अवलंब से दूर हटेगी, और यदि मान लो यहाँ पर आने पर इस किरण का जो कोण है वो इस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण से अधिक हो गया, तो जब यह किरण यदि क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर चल रही है, तो यहाँ से जब किरण का अपवर्तन होगा तो यह किरण का अपवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये किरण जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जा रही है। तो यदि यहाँ पर आने वाली किरण के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, और किरण तो सघन से विरल माध्यम में जा ही रही है, तो फिर यहाँ पर किरण का हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी यह किरण यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, नहीं इस तरह से किरण चली जाएगी। और जब यहाँ से किरण जाएगी तो व्यक्ति की आँख में यही वाली किरण प्रवेश करेगी। जब व्यक्ति की आँख में यही किरण प्रवेश करेगी तो क्या होगा कि कोई व्यक्ति जब देखेगा तो उसे, उसकी आँख में तो यही किरण प्रवेश कर रही है, तो उसे ये लगेगा कि ये किरण नीचे किसी बिंदु से आती हुई, पृथ्वी के नीचे किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी उसे यहाँ से कहीं से आती हुई प्रतीत आती प्रतीत होगी, यानी यहाँ पर इस पेड़ का प्रतिबिंब बन जाएगा, तो इस व्यक्ति को पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा, यानी उसे ये लगेगा कि यहाँ पर रेत ना होकर कोई तालाब है या जल भरा हुआ है। इसे ही रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं।
एक बार हम पूरा समझेंगे अब थोड़ा सा जल्दी से। रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय व्यक्तियों को रेत के स्थान पर जल होने का भ्रम होता है, उसे ही रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं। गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि कोई ऊंची वस्तु है जैसे पेड़ है, पहाड़ है, वहाँ से जब किरण चलती है तो पृथ्वी तल पर क्या होता है, रेगिस्तान में हर जगह रेत होती है, तो रेत क्या करती है कि दोपहर के समय सूर्य की ऊष्मा को गर्म कर, मतलब सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे रेत गर्म हो जाती है और रेत के समीप वाली वायु भी गर्म हो जाती है और गर्म होकर वह बना लेती है बरल माध्यम। वो जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो वायु क्या होता है कि नीचे की अपेक्षा कम गर्म रहती है, तो ऊपरी तल पर जाने पर माध्यम सघन होता चला जाता है। जब कोई ऊंची वस्तु से किरण चलेगी तो वायुमंडल की कई परतों में बार बार किरण का अपवर्तन होगा और पृथ्वी तल तक आते आते वह किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो जाएगी और जिससे किरण का पूर्णांतिक परावर्तन हो जाएगा, क्योंकि हमने पूर्णांतिक परावर्तन में पढ़ा है कि किरण सघन से बरल माध्यम में जानी चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो पृथ्वी तल तक आते आते किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो जाएगी, सघन से बरल में किरण जा ही रही है, इससे किरण का पूर्णांतिक परावर्तन हो जाएगा और जब व्यक्ति की आँख में जो किरण प्रवेश करेगी तो वह किरण उसे ऐसा लगेगा कि वह किरण पृथ्वी के किसी बिंदु नीचे किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, जिससे वहाँ पर उस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। इस तरह से उसे रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में रेत के स्थान पर जल होने का भ्रम होता है, इसे ही रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं। इसकी पूरी थ्योरी इस तरह से है, इसे देखकर हम इस एक बार और इसे समझ सकते हैं।